था, ये लास्ट सम है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में अभी जितने भी सम्स है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई सम नहीं आता है, डाउटफुल है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल फॉर यू। चलिए हम लोग हमारा एक लास्ट सम देख लेते हैं क्या है। देखो 3x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x + 2 / x^2 + 3x + 1 इसको डिवाइड करना है। कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो जाए, कितना भी बड़ा डिवाइजर हो, रूल रिमेन्स द सेम। क्या करना है, डिग्री देखनी है। डिग्री कितनी है, 4। कितनी है, 2। कितने का डिफरेंस है, 2 का, मतलब एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x^4 प्लस 3x³ प्लस क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो अब हमारा रूल क्या बोलता है कि जिससे मल्टीप्लाई किया उसको कहां लिखोगे, ऊपर, मतलब क्या आ जाएगा, x² और ये, सॉरी एक गलती हुई वापस, क्या है यहां पर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, यहां नंबर कौन सा था, 3, तो नंबर लेना पड़ेगा, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9, और 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, मतलब क्या आ जाएगा, 3x², है ना। वो नंबर लेना कंपलसरी, यहां पर जो नंबर दिया हो उसे भी लेना होता है, भूलना मत। तो अब जिससे मल्टीप्लाई किया उसको कहां पर लिखेंगे, ऊपर। जो आंसर आया उसको कहां लिखेंगे, नीचे। तो 3x^4 प्लस 9x³ प्लस 3x² प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये और ये तो कट हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 9 - 5 कितना बचेगा, 4 x³। अब बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 5 है कि 9 है, 9 है। 9 की साइन कौन सी है, माइनस। नई साइन देखनी है, पुरानी नहीं, तो माइनस। माइनस माइनस प्लस 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सी आएगी, माइनस, है ना, प्लस 2। अगेन कितना है, 3। कितना है, 2। ये 2x कहां से आया, समझ में ना, ऊपर से लिया, नीचे लिया यहां से। तो 3 और 2 कितने का डिफरेंस है, 1x का डिफरेंस है। सो क्या करोगे, अगेन x² + 3x + 1 × x, बट यहां पर नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है, 4, और उसकी साइन कौन सी है, माइनस, मतलब यहां क्या लेना पड़ेगा, -4। सो कितना आ जाएगा, -4x³, 4 × 3 = 12x प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 4 × 1 = 4, मतलब कितना आ जाएगा, -4x। जिससे मल्टीप्लाई करते हो ऊपर लिखना है, मतलब क्वेश्चन में लिखना है, तो क्या मल्टीप्लाई किया, -4x³ माइनस, देखो यहां पर x × x क्या हो गया था, x² से, यहां पर क्या आएगा, -12x² है ना। 4 × 1 = 4 प्लस माइनस माइनस, तो -4x, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो ये चीजें तो कैंसिल हो जाएगी। 10 और 12 में से 10 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2x². नंबर कौन सा है, ये प्लस है, ये माइनस है, बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, उसकी साइन कौन सी है, प्लस, तो इसकी साइन भी कौन सी आएगी, प्लस। प्लस प्लस प्लस, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6x। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6x, और यहां से कितना आ जाएगा, 2। यहां से कितना आ जाएगा, 2। अब देखो क्या है, x² क्या है, x² हो गया सेम। तो सिर्फ जो नंबर है उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर कौन सा है, 2। सो 2x² 2 × 3 = 6x 2 × 1 = 2
सो जिससे मल्टीप्लाई किया फिर से कहां पर लिखोगे ऊपर 2x² + 6x + का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस कैंसल 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 कितना आंसर आ जाएगा जीरो। सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे थे ईच एंड एवरी टर्म। तो इन शॉर्ट मुझे q(x) क्या मिल गया 3x² - 4x + 2। r(x) क्या मिल गया जीरो। आया समझ में? ताइको यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सम। इस सम में आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। ये डिवीजन एल्गोरिथम का लास्ट सम था। अब ये चैप्टर में 2 मोस्ट आईएमपी सम्स है। उसके वीडियोस में नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा, तब नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ले लूंगा 2 मोस्ट, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ध्यान रहे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नए हैं तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, जो लोग पुराने हैं नए हैं शेयर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम बच्चे लोग तक पहुंचे और लोग पढ़ सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।